हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीडीके स्टडी। ओके, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडीके स्टडी में। ओके, आज हम लोग फॉक्सबोरो का ट्यूटोरियल 16 है, यानी कि पार्ट 16 है। इसमें हम लोग फॉक्सबोरो में पैटर्न प्रोग्राम को बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ट्यूटोरियल 16 में फॉक्सबोरो के पैटर्न प्रोग्राम के को पैटर्न प्रोग्राम को बनाएंगे। ओके, अभी तक आपने सभी पिछले ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर आप सभी पिछले ट्यूटोरियल्स को देख ले। ओके, या मैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सभी वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और आप ढेर सारे पैटर्न प्रोग्राम चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप बहुत सारा पैटर्न का प्रोग्राम ले सकते हैं एक से एक, और आप अपने फॉक्सबोरो में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप अपने फॉक्सबोरो में पैटर्न प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केवल 3 ही पैटर्न प्रोग्राम को बताऊंगा, क्योंकि पैटर्न प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं और सबको बताना इम्पॉसिबल है। सबको बताएंगे तो वीडियो को 1-2 दिन तक चलते रहेगा, तब पैटर्न प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 3 पैटर्न प्रोग्राम को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने फॉक्सबोरो को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए मेरा यहाँ पे फॉक्सबोरो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा फॉक्सबोरो जो है ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको मॉडिफाई कमांड से क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं मॉडिफाई। ओके, कमांड ओके मॉडिफाई कमांड, और यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम के नेम को दे सकते हैं। चलिए मैं अपने प्रोग्राम को के नेम को दे देता हूँ पैटर्न। ओके, और इंटर मारेंगे तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम को बना के रखा हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे लूप को चलाते हैं, 4i=1 to 5। अब बोलेगा कि i जो है वो 1 to 5 क्यों चला है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको समझाता हूँ। जो i 1 to 5 चला है वो इसका वैल्यू है जो वर्टिकल है, जो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन में है, उसके चलते हम लोग i का वैल्यू 1 to 5 चला है, जो यहाँ पे 5 लाइन में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे i का वैल्यू 1 to 5 चला है। ओके, तो आपने समझ गया कि i का वैल्यू 1 to 5 क्यों चला। फिर हम लोग यहाँ पे j का वैल्यू 1 to i चलाएंगे। ओके, फॉर j का वैल्यू 1 to i। अब आप पूछेगा कि 1 to i का ही चलाएंगे, 1 to 5 का ही नहीं चलाएंगे। ओके, तो देखिए j का वैल्यू 1 to i इसलिए चलाएंगे, जब यह i का वैल्यू 1 होगा तो j का वैल्यू भी 1 to 1 होगा। ओके, जब i का वैल्यू 1 होगा तो j का वैल्यू भी 1 to 1 होगा, i मतलब 1। तो प्रिंट कर देगा स्टार को। ओके, और फिर हम लोग फिर से ये देखेगा, तब ये तो कंडीशन पूरा होगा i to i, यानी 1 to 1 पूरा होगा। तो फिर से यह फॉर लूप ऊपर जाएगा i के पास, अब i चलेगा 2 से 2, अब i हो जाएगा 2, और फिर यहाँ नीचे आया j 1 to i, यानी 1 to 2 चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में स्टार जो प्रिंट करेगा, पहले तो 1 फिर 2, यानी 2 टाइम प्रिंट करेगा, फिर से यह
आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो जे है जो 1, 2, 3 हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में 3 स्टार प्रिंट करेगा, ओके। इसीलिए हम लोग जे का वैल्यू 1, 2 रखे, ओके। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आप प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार देखें, तब आपको जरूर समझ आएगा, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे इन फोर लगा के ये फोर लूप को बंद करिए, और फिर यहाँ पे हम लोग सिंगल प्रिंट का यूज किए, ओके। क्योंकि सिंगल प्रिंट है वो नेक्स्ट लाइन में हम लोग को प्रिंट कराता है, ओके। और फिर हम लोग इन फोर का यूज करके इस लूप को हम लोग बंद करते हैं, ओके। इसी तरह से हम लोग पैटर्न प्रोग्राम को बनाते हैं, ओके। और इसको हम लोग रन करने के लिए सबसे पहले सेव करेंगे, तो Ctrl+W दबाते हैं और यह सेव हो गया। सेव होने के बाद इसको रन करने के लिए डू कमांड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डू और अपने प्रोग्राम का नेम, तो मेरा प्रोग्राम का नेम है पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे पैटर्न, ओके, और इंटर मारेंगे, तो देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार है वो सेम इसी तरह से प्रिंट हो गया। जैसे यह है जो 1 नंबर है, वैसे मेरा यहाँ पे स्टार प्रिंट हो चुका है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टार जो है वह प्रिंट हो चुका है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम को बनाएंगे, यानी कि दूसरे नंबर के प्रोग्राम को बनाएंगे, जो 1 है, फिर 1, 2 है, फिर 1, 2, 3 है, फिर 1, 2, 3, 4 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 है। इसको हम लोग बनाएंगे, ओके। तो इसको बनाने के लिए फिर से हम फॉक्स प्रो को ओपन करते हैं, और यहाँ पे फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम में चले जाते हैं, और यहाँ पे अब कुछ एडिट करेंगे, ओके। तो देखिए, ये तो 4i=1 to 5, ये ठीक है, क्योंकि इसको 5 times चलना है, ओके। और ये जो जे है ये भी ठीक है, 1 to i, यानी कि ये भी ठीक है, यानी कि 4j=1 to i है, ये भी ठीक है, क्योंकि इसको भी जीते तो इसको भी इसी तरह से प्रिंट होना है, यानी कि एक बार ये प्रिंट होता था तब एक बार इसको भी प्रिंट होना है, 2 बार जब ये स्टार प्रिंट होता था तब 2 बार तो इसको भी प्रिंट होना है, यानी कि j=1 to i ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कराना है वो गलत है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं j, यानी j का वैल्यू 1 हुआ तो 1 प्रिंट करेगा, ओके। और जे का वैल्यू दूसरे लाइन में 1 और 2 दोनों होगा, तो जे का वैल्यू 1, 2 दोनों प्रिंट करेगा। फिर वो तीसरे लूप में जे का वैल्यू 1, 2, 3 हो जाएगा, ओके। तो जे का वैल्यू फिर से 1, 2, 3 प्रिंट करेगा, ओके। इस तरह से जे प्रिंट करेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट जे, ओके। और इसको अब Ctrl+W से सेव करते हैं, ओके। और इसको फिर से हम लोग रन करा के देखते हैं, तो रन कराने के लिए 2 का यूज करते हैं, तो चलिए इसको रन कराते हैं, और देख सकते हैं कि सेम यह उसी तरह से प्रिंट कर रहा है, जिस तरह से यह है उसी तरह से हम लोग का यह प्रिंट कर रहा है। देखिए 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और फिर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से सेम यह प्रिंट किया, ओके। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को आपको जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, ओके। आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ओके। और आप इसी तरह का और भी प्रोग्राम पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वेबसाइट को क्लिक करके वहां पे देख सकते हैं। अब बारी आते है कि तीसरे नंबर के प्रोग्राम को बनाने के लिए, ओके। तो तीसरे नंबर के प्रोग्राम को बनाते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर के प्रोग्राम को बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग अपने प्रोग्राम को ओपन कर लें, ओके। यहाँ पे यहाँ तक सब ठीक है, यानी कि उसी तरह से चलेगा। देखिए, i का वैल्यू 1 to 5 है,
वो 5 तक चलेगा ओके। फिर देखिए जे का वैल्यू 1 2 i ये भी उसी तरह से चलेगा, यानी i जे भी 1 2 3 यानी जे का वैल्यू जितना होगा उतना बार यह प्रिंट करेगा, यह भी यह ठीक है ओके। केवल हम लोग को प्रिंट करवाने के मेथड अलग है ओके। हम लोग को केवल यहाँ पे प्रिंट करना है, हम लोग को केवल यहाँ पे प्रिंट कराना है जे मोड 2 को ओके। यहाँ पे केवल हम लोग को प्रिंट कराना है जे, हम लोग को केवल यहाँ पे प्रिंट कराना है जे मोड 2 को ओके। बस हम लोग का प्रोग्राम अब बढ़ गया। अब पूछेंगे कि आप जे मोड 2 को क्यों प्रिंट कराए, तो देखिए जे का वैल्यू जब 1 होगा ओके तो यह जे मोड 2 का मतलब होता है कि यह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 प्रिंट करेगा ओके, और 2 से जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तब यह 1 प्रिंट करेगा ओके। तो जे मोड 2 यानी पहला बार में जे का वैल्यू 1 होगा, 1 2 से जब पूरा पूरा नहीं कटता है तो तब यह 1 प्रिंट करेगा ओके। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ जे मोड 2 नहीं होगा, यहाँ पे आई मोड 2 होगा ओके, आई मोड 2 होगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ ओके। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए 4i = 1 to 5 यानी कि यह तो ठीक है कि 1 से लेकर 5 तक नीचे की ओर चलेगा ओके। और फिर यहाँ पे जो 4j = 1 to i है ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 1 to i ये अभी आपको समझ आया है कि पहले लाइन में 1 प्रिंट करेगा, दूसरे लाइन में 2 बार, तीसरे लाइन में 3 बार, यह भी आपको समझ आ रहा है। लेकिन यह आपको जो आई मोड 2 लगाए वह आपको समझ नहीं आ रहा है ओके। जो यहाँ पे मैं आई मोड 2 लगाए वह आपको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे जो आई का मान पहला बार में वन हुआ ओके, तो यहाँ पे और जे का मान भी 1 to i है, यानी कि एक बार प्रिंट करेगा जे भी, तो आई का वैल्यू 1 है पहला बार में, तो 1 mod 2 यानी कि 1 प्रिंट करेगा, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 1 प्रिंट करेगा ओके। फिर से मेरा लूप यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की ओर, और फिर से यहाँ पे i = 2 हो जाएगा ओके, i = 2 हो जाएगा। तो j = 1 to i है, यानी कि j = 1 to 2 हो जाएगा, तो जे तो 2 टाइम प्रिंट करेगा। लेकिन फिर से यहाँ पे i mod 2 है, तो आई का वैल्यू अब 2 हो गया ओके। तो 2 mod 2 यानी कि 2 से 2 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यह 0 प्रिंट करेगा। फिर 1 2 3 यह 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जे का मान 1 2 2 है ओके। तो यह जे 2 3 प्रिंट करेगा, तो 0 भी 2 3 प्रिंट करेगा। इसी तरह से फिर खत्म होगा, फिर आई का वैल्यू 3 हो जाएगा ओके। तो फिर से हम लोग इसी तरह से चलता है, और फिर यहाँ पे आई का वैल्यू 3 हो जाए, तो 3 mod 2 यानी कि 3 2 से नहीं कटता है, तो फिर से यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा 3 बार ओके। इसी तरह से हम लोग का यह प्रिंट करता है। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रोग्राम सक्सेसफुल बना है कि नहीं ओके। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको Ctrl+W दबाकर सेव करते हैं ओके। सेव करने के बाद फिर से हम लोग इसको रन कराते हैं, तो 2 पैटर्न लिखे और देखिए हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका। हमको भी अभी डाउट लग रहा था कि यह प्रोग्राम रन होगा कि नहीं, लेकिन देख सकते हैं कि यह प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है ओके। जिस तरह से यह है उसी तरह से यह प्रोग्राम भी रन हो चुका है ओके। तो आपको इसी तरह का और भी प्रोग्राम चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, मैं उसका लिंक सबसे ऊपर ही दे दूंगा ओके। वहाँ पे जाकर और भी पैटर्न का प्रोग्राम बना सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए,
और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल का आइकन आया है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल्स के साथ, तब तक के लिए। और मैं आपको होमवर्क भी देना चाहता हूँ कि आपको मैं 4 होमवर्क देता हूँ, एक ए होगा, एक ए होगा और दूसरा ए और तीसरा ए, यानी कि ये 4 को आप लोगों को बनाना है और बनाकर हमको कमेंट बॉक्स में दिखाना है। ओके आप मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ओके तो हमको उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम, इस 4 प्रोग्राम को जरूर बनाएंगे। ओके